नियुक्ति परीक्षा के पेपर लीक मामले में FIR। केंद्र से रिपोर्ट मिलने पर 4 फरवरी की परीक्षा पर होगा फैसला। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ली गई झारखंड सामान्य स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा विवादों में घिर गई है। रविवार को ही परीक्षा से पहले ही प्रश्न पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। शिकायत मिलने के बाद आयोग ने थर्ड पेपर की परीक्षा रद्द कर दी थी। इस मामले में सोमवार को आयोग ने नामकुम थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। आयोग ने कहा कि राज्य के सभी 735 परीक्षा केंद्रों से रिपोर्ट मांगी गई है कि बुकलेट का सील खोलने का समय क्या था। सभी परीक्षा केंद्रों से रिपोर्ट मिलने के बाद 4 फरवरी को होने वाली परीक्षा के बारे में फैसला लिया जाएगा। FIR में आयोग ने बताया है कि किस तरह एजेंसी को परीक्षा की जिम्मेदारी दी जाती है, एजेंसी कैसे प्रश्न पत्रों को परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाता है, स्ट्रांग रूम से प्रश्न पत्र पहुंचाने की पूरी प्रक्रिया क्या है, परीक्षा से तय समय से कितने पहले प्रश्न पत्र का सील खुलेगा, इसकी भी जानकारी दी गई है। इधर पेपर लीक होने के विरोध में अभ्यर्थियों ने आंदोलन शुरू कर दिया है। सोमवार को रांची सहित विभिन्न जिलों में आयोग के अध्यक्ष का पुतला दहन किया गया है। वे लोग पेपर लीक मामले की CBI जांच की मांग कर रहे थे। अभ्यर्थियों ने चेताया है कि अगर 4 फरवरी को होने वाली परीक्षा रद्द नहीं की गई तो 31 जनवरी को आयोग के कार्यालय का घेराव किया जाएगा। गौरतलब है कि साल 2017 पदों के लिए सामान्य स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की प्रक्रिया पिछले 10 सालों से चल रही है। इस बार फिर यह परीक्षा विवादों के घेरे में आ गई है। इस परीक्षा के लिए 6,50,000 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। इतने ज्यादा अभ्यर्थी होने के कारण इनकी परीक्षा एक बार नहीं हो पाई है, इसलिए 2 दिन परीक्षा कराने का फैसला लिया गया था, क्योंकि राज्य भर में एक दिन अधिकतम 4,00,000 अभ्यर्थियों की परीक्षा लेने की व्यवस्था है। राज्य भर में रविवार को 735 केंद्रों पर परीक्षा ली गई है। शेष करीब 3,00,000 अभ्यर्थियों की 4 फरवरी को परीक्षा होनी है। JSSC को दिन में मिले थे 2 ईमेल। आयोग को परीक्षा के दिन रविवार को 2 ईमेल मिले थे। पहला ईमेल दोपहर 2:32 पर और दूसरा 2:38 पर मिला था। पहले ईमेल में पेपर लीक से संबंधित कुछ नहीं था, लेकिन दूसरे ईमेल में जो सवाल भेजे गए थे वह तीसरे पेपर से मिलते थे। परीक्षा खत्म होने के बाद जब प्रश्न पत्र का मिलान किया गया तो पेपर लीक होने का खुलासा हुआ। इसके बाद देर रात आयोग ने थर्ड पेपर की परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया।